हेलो दोस्तों, प्राइमेक्स चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि हम इस ब्रेक्स को निकालना और दूसरा डालना हम सीखेंगे, तो किस तरीके से इसको रिमूव करते हैं और किस तरीके से हम नया उसमें लगाते हैं और किस वजह से हम इसको लगाते हैं, आज हम इस वीडियो में पूरा सीखेंगे। और साथ में हम सीखेंगे दोस्तों कि इसको, ये जो पत्ती है हमारी, इसको किस तरीके से रिमूव करते हैं और किस तरीके से हम इसको नई पत्ती हम लगाते हैं, क्योंकि नई पत्ती मेरे पास तो है नहीं, लेकिन इसी से मैं आपको सिखा दूंगा कि किस तरीके से इसको रिमूव करते हैं। तो सबसे पहले हम सीख लेते हैं मोटर में कि हम इस ब्रेक्स को किस तरीके से रिमूव करेंगे। तो जैसा कि आप ये तार देख पा रहे हैं, तो इस तार को ये यहाँ पर लगा हुआ होगा, तो आप इसको निकाल लीजिए। हो सकता है कि आप में आपका जो तार हो किसी दूसरे डिज़ाइन से हो, तो बस इसको आपको रिमूव करना है। कोई सा भी तरीका हो, हमें इसको रिमूव करना है। तो रिमूव करने के बाद अब आप यहाँ देख रहे होंगे, अगर आपको पूरा तार रिमूव करना है तो आप इसको यहाँ से घुमाइए और आप इसमें एक साइज़ देख रहे होंगे, ये इस टाइप से निकल जाएगा। मतलब कि इसको हमें घुमाना है। आप ये खांचे जो देख रहे हैं, ये अंदर फंस जाते हैं, ये वाले जो खांचे हैं, तो ये अंदर फंस जाते हैं और आपको दोबारा लगाने हैं। तो इसको यूं लगाइए और इसको घुमा दीजिए, तो ये निकलेगा नहीं, और आप इसको घुमा देंगे तो फिर निकल जाएगा। तो ये हमने यहाँ से इसका तार हमने इसका रिमूव कर लिया है यहाँ से, तो अब इसका काम हमारा ख़त्म हो गया है। बल्कि मैं इसको निकाल ही देता हूँ जिससे कि डिस्टर्ब ना करें। उसके बाद हमें ये ब्रेक्स जो सॉरी स्प्रिंग है, इसको हमें को निकालना है। तो इसको हम आप जानते होंगे किस तरीके से निकाल सकते हैं, जब आप इसको खोलेंगे तो आप जान जाएंगे किस तरीके से खोलते हैं। तो इसको हमें, ये बिल्कुल फ्री हो गया दोस्तों, आप देख रहे होंगे ये बिल्कुल फ्री हो गया। इसको आपको ऊपर को उठाना, क्योंकि यहाँ पे लग रहा है आपको काम सही करके नहीं हो पाएगा ये, तो इसको ऊपर को उठाइए और इसको इस तरीके से कर लीजिए। जब आप इसको इस तरीके से कर लेंगे तो आप देख रहे हैं इसके अंदर ये खांचे हैं, ये इधर से खांचे ये, और आप देख रहे हैं बैक साइड में अगर मैं दिखाता हूँ तो आप यहाँ से ये इसके खांचे जो हैं, ये दो खांचे हैं, ये लगे हुए हैं, और ऊपर से ये सेफ्टी के लिए, जिससे कि वो आग ऊपर नीचे ना हो, तो उसके लिए ये चीज़ है। बस खाली ये, इसमें कोई मतलब हमारा कोई खांचा नहीं है, खाली सीधी पट्टी है, इसलिए ये खांचे हमारे ये वाले काम कर रहे हैं। हो सके तो आपकी वॉशिंग मशीन में जो ब्रेक्स होंगे वो दूसरे डिज़ाइन के होंगे, लेकिन उसका काम बदलने का यही है। तो इसके खांचों को हम दबाएंगे इस तरीके से, किसी भी चीज़ से दबा लीजिए, किसी भी चीज़ से आपको इनको खांचों को दबाना है इस तरीके से, ये देख रहे हैं आप, इस तरीके से हम इसको दबाएंगे और इसको हम निकाल देंगे। अब ये हमारा ब्रेक्स निकल चुका है दोस्तों, ये घिसा हुआ है, ये जब घिस जाता है तो ब्रेक्स हमारे लगने बंद कर देते हैं। तो ब्रेक्स जो है हमारे ये घिस जाते हैं, और किसी किसी में, अब मैं दूसरा एक नया आपको दिखाता हूँ, ये नया है, और आप देख रहे हैं इसमें एक ब्लैक कलर की ये लगी हुई होती है। तो आपकी जो वॉशिंग मशीन होगी, हो सकता है आपकी में ये ब्लैक्स वाला हो, लेकिन इस वाले में जो है हमारा जो ओल्ड है उसमें ये नहीं है, लेकिन आपकी हो सकता है वॉशिंग मशीन में ये चीज़ ब्लैक कलर की हो, तो कभी कभी ये ब्लैक वाला घिस जाता है आप जो देख रहे हैं, तब भी ये काम करना हमारा ब्रेक्स बंद कर देता है, जिसकी वजह से वॉशिंग मशीन हमारी घूमती ही रहती है, ब्रेक्स हमारे काम नहीं करते हैं। तो आपका ये काला काला जो आप देख रहे हैं, अगर ये रिमूव हो गया है, मतलब ख़त्म हो गया है, तब भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो क्योंकि इसका साइज और इसका साइज हमारा अलग अलग है, आप देख भी रहे होंगे ये इस तरीके से, ये कितना बड़ा है और ये कितना छोटा है। तो आप मार्केट जाइए और मार्केट से इसको परचेस कर लीजिए, और परचेस करके और आप इसको जब लेकर आएंगे तो इसी तरीके से ये हमें, इसी तरीके से आप देख रहे हैं ये चीज़ जो है हमें, ये दोनों नीचे रखनी है और ये ऊपर रखनी है। तो जैसे ही हम इसको लगाएंगे तो ये खांचों में बिल्कुल फिट हो जाएगा, इसी तरीके से फिट हो जाएगा, इसमें कोई ज़्यादा कारीगरी की कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद हमें इसको सीधा हमें यहाँ पे लेके जाना है, और जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये थोड़ा ऊपर हो गया, तो आप इसको दबा दीजिए, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अगर आपका इतना भी लगा तब भी हमारा वर्क करेगा, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। उसके बाद हम लगाएंगे ये स्प्रिंग को, तो जैसे ही हमने स्प्रिंग छुटाया था वैसे ही हम इसको लगा देंगे, ये हमारा लग गया है। अब ये हमारा पहले की तरह ये वर्क करने लगा है। उसके बाद हम लगाएंगे इस तार को, तार मैंने आपको बताया था इसमें से यहाँ से निकालना है और इसको यहाँ से लगाने के बाद घुमा देना है, और उसके बाद हमें इसको यहाँ पे फिट कर देना है, और प्लास से या किसी भी चीज़ की मदद से हमें इसको बंद कर देना है। और आप देखेंगे ये हमारा अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है, मैं इसको खींच रहा हूँ, आप देख रहे हैं मैं इसको खींच रहा हूँ और अच्छा काम ये कर रहा है। तो आई होप दोस्तों ब्रेक्स को आप सीख गए होंगे किस तरीके से रिमूव करते हैं, किस तरीके से बदलते हैं।
अब दोस्तों सीख लेते हैं हम इसके जो ब्रेक्स पत्ती होती है उसको किस तरीके से रिमूव करते हैं, और आपकी वॉशिंग मशीन में अगर इस टाइप की कोई भी पत्ती हो तो उसको भी हम रिमूव कर सकते हैं। लेकिन इस वॉशिंग मशीन में पत्ती है तो मैं पत्ती से आपको बता रहा हूँ किस तरीके से रिमूव करते हैं। तो सबसे पहले आप फ्रंट पैनल खोल चुके होंगे, सबसे पहले आप फ्रंट पैनल खोल लीजिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी फ्रंट पैनल किस तरीके से खोलते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वीडियो देख के आपको बहुत आसानी हो जाएगी फ्रंट पैनल खोलने में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस ढक्कन से ये हमारा वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा मतलब गल गई है, तो आपको इसको ढक्कन को खड़ा रखना है इस टाइप से, और इसको लगा करने के बाद हम देखेंगे ना तो ये इधर खींच रही है ना उधर खींच रही है, तो उससे ये हमें क्यों नहीं खींच रही है। तो आप देख रहे हैं ये जो हमारा इसमें लगा हुआ है ये जो ब्रेक्स का तार आ रहा है, तो पहले हमें इसको रिमूव करना है। तो हमें इसको रिमूव करने के लिए यहाँ से पेच खोल सकते हैं आप, या फिर आप यहाँ से हमें ये पत्ती निकालनी होती है। तो ये हमारे इस तरीके से तो नहीं निकल पाएगी जब तक कि हम इस पेच को नहीं खोलेंगे। तो सबसे पहले जो हमें काम करना है हमें ये पेच को खोलना है। सबसे पहले इस पेच को हमें खोल लेना है। इससे होगा क्या कि ये जो प्लास्टिक की आप ये देख रहे हैं ये हमारी रिमूव हो जाएगी, मतलब कि ढीला करना है। अगर आप खोलना चाहो तो खोल सकते हैं, ढीला करना चाहो तो ढीला कर सकते हो। उसके बाद नीचे को इसको खींचना है, और नीचे को जितना आप खींचेंगे तो ये नीचे को खींचने के बाद ये हमारी स्टैक से निकल जाएगी इसके अंदर से। तो ये आप देख रहे हैं बहुत ही ढीला हो गया है। तो उसके बाद हमें यहाँ से जो आप देख पा रहे हैं इसको हमें ऊपर ऊपर करके और इसमें से हमें ये निकाल लेना है, इसमें से ये हमें निकाल लेना है, मतलब कि इसको रिमूव कर देना है, बिल्कुल अलग कर देना है। तो आप देख रहे हैं ये तार हमारा बिल्कुल अलग हो गया है, और इस पत्ती को हम ऊपर की तरफ को हम खींच लेंगे। जब आप पत्ती को ऊपर को खींच लेंगे तो आप देख रहे हैं ये हमारे पास पत्ती हाथ में आ चुकी है। तो पत्ती आपकी इससे छोटी भी हो सकती है, इससे बड़ी भी हो सकती है, इससे मीडियम भी हो सकती है, लेकिन जो रिमूव करने का जो तरीका है वो यही है, इसी तरीके से आपकी रिमूव होगी। अगर आपकी प्लास्टिक की है तो यहाँ पे प्लास्टिक होगी, और उसको आप मतलब गांठ लगी हुई होगी या फिर उसमें खांचा टाइप का होगा, उसको निकाल लीजिए। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये हमारे पास पत्ती आ चुकी है, और आप सपोज कर लीजिए कि मार्केट से न्यू पत्ती आप लेके आ चुके हैं। तो जैसे कि आप मान लीजिए न्यू पत्ती है, तो इसको न्यू पत्ती को हम यहाँ से इसको डालेंगे, और डालने के बाद इसको छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद ढक्कन को इसको हमें उठाए रखना है, क्योंकि इससे हमारी जो ये मतलब पत्ती है वो ढीली रहेगी। अगर आप इसको ढक्कन को बंद रखते हैं तो हमारी जो पत्ती है ऊपर को उठी रहेगी, जिससे कि हमें बहुत दिक्कत हो जाएगी इसको मतलब फिटिंग करने में। तो उसके बाद हमें जो करना है, जो हमने ये तार निकाला था ब्रेक्स वाला, इसको हमें लगाना है वैसे ही लगाना जैसे हमने निकाला था। इसके अंदर से गोल सुराख है, इसके अंदर से हमें ये बढ़ाना है। बढ़ाने के बाद उसको नीचे को छोड़ देना है, और ये हमारा फंस जाएगा। उसके बाद हमें जो काम करना है, इस जैसे कि हमने निकाला था और वैसे ही हमें इसको लगाना है, वरना तो आप एक काम कीजिए इसको आप बिल्कुल रिमूव कर दीजिए। आप इसको हल्का सा ऊपर उठाएंगे, ऊपर उठाने के बाद ये बिल्कुल यहाँ से निकल जाएगी। जब निकल जाएगी तो आप इसको नीचे से करके आप इसको ऊपर लगा दीजिए, और उसके बाद आप इसे लगाइए तो थोड़ी ज़्यादा आसानी रहेगी आपके लिए। उसके बाद आप इसे लगा दीजिए, बिल्कुल बहुत ही आसानी से लग गई है, और ये हमारा इसको टाइट कर दीजिए। और आप चाहें तो इसका एडजस्टमेंट भी है, आप उसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, जिससे कि ब्रेक्स हमारे ज़्यादा खुलें या कम खुलें, तो उसके लिए एडजस्टमेंट है, इससे आप ऊपर नीचे करके आप इसको ब्रेक्स को भी एडजस्ट कर सकते हैं। इससे होगा क्या दोस्तों, कभी कभी क्या होता है ब्रेक्स की जगह जो पुलिस है वो बहुत छोटी रहती है, और जिसकी वजह से वो ब्रेक्स लगता रहता है, खिस खिस करके वो घिस जाता है ज़्यादा है। लेकिन इससे क्या होगा, जब आप इसको नीचे रख देंगे तो ब्रेक्स की जो जगह है वो ज़्यादा खुल जाएगी, जिससे क्या पुली पर नहीं लग पाएगी। अगर हम इसको ज़्यादा ऊपर रखते हैं, मतलब कि वो आप जब इसको करेंगे तो आप खुद आइडिया लगा सकते हैं कि ये ब्रेक्स हमारा किधर ज़्यादा आ रहा किधर कम आ रहा, तो आप उसी हिसाब से आप सीख सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये हमारा पूरा का पूरा हमारा जो पत्ती है वो हमारी लग चुकी है, और ये हमारा वर्क भी कर रही है। तो इस तरीके से आप
हम ब्रेक्स बदल सकते हैं और ब्रेक्स पट्टी को भी बदल सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको समझ आई होगी, समझ आई होगी तो दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों हमारे चैनल को। और अगर आपकी इस बारे में कोई भी क्वारी हो या मेरी कोई सी भी वीडियो के बारे में कोई सी भी क्वारी हो तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर ईमेल भेज सकते हैं और मैं उसका सोल्यूशन आपको ज़रूर से ज़रूर दूंगा दोस्तों। और दोस्तों सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों और बेल आइकन के घंटे को भी दबाना ना भूलें दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। ओके।